नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एंड Facebook पेज पर स्मैक्स पंच वर्स बना। जी हाँ, आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। मेरी बहुत ही खास एंड बहुत ही ज्यादा फेवरेट शहनाज़ कौर गिल के बारे में। शहनाज़ कौर गिल, मैंने बहुत बार पहले भी कहा है बहुत सारे वीडियोस पे, एक इकलौती ऐसी बंदी है जो जिसको देखकर मैं जब बिग बॉस 13 पे देखी थी ना, वो जब हंसती थी मैं हंसती थी, वो जब रोती थी मैं रोती थी। मतलब उसका कैरेक्टर के साथ, उसके साथ मैंने बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाई थी। एंड बिग बॉस के मैं बहुत सारे सीजन देखी हूँ एंड शी इज द ओनली पर्सन जिसके साथ शायद मैं इतना ज्यादा कनेक्ट की थी। एंड आई लव हर, मतलब बहुत मुझे प्यार था उससे। अब वो बहुत चेंज हो गई है डेफिनेटली टाइम के साथ, लेकिन सुंदर तो बहुत ज्यादा बन चुकी है। मुझे पहले भी जब मोटी सी थी तभी भी मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगती थी और अभी भी सुंदर तो है ही। तो फाइनली शहनाज़ कौर गिल अपने लाइफ पे बहुत आगे मूव ऑन कर चुकी है और बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रही है, टच वुड। तो ऐसे ही एक काम पे मौका मिला है शहनाज़ कौर गिल का, जिसको आप लोगों को पता है कि वो किया है एक आइटम सॉन्ग, वो भी राजकुमार राव तृप्ति दिमरी की मूवी पे। जी हाँ, ये मूवी काफी बड़ा हिट होने वाला है। मेरा थॉट प्रोसेस बोलता है, मेरे सक्सेस बोलते हैं, क्योंकि जितना भी मैंने क्लिपिंग देखा है ना, काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा यू नो कॉमेडी पार्ट बहुत अच्छा है, फन है, मस्ती है। और लोग ऐसे मूवी बहुत लोग पसंद करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी बहुत ज्यादा ऐसा मूवी पसंद है जहां पर मैं एकदम मुंह खोलकर हंसू, हा हा करू, मतलब एकदम थिएटर गूंजे। क्या आपको भी ऐसा कुछ है तो जरूर बताना। लेकिन इस वीडियो पे मैं रिव्यू देने वाली हूँ शहनाज़ कौर गिल के परफॉर्मेंस के बारे में। ब्लू कलर के ड्रेस पे शहनाज़ कौर गिल तो एकदम भाई क्या लग रही थी, बाय गॉड। मैं डेफिनेटली उसको इतना ज्यादा पसंद करती तो पॉजिटिव ही बोलूंगी, लेकिन आप अगर पसंद करो ना पसंद करो, देखो मेरे ख्याल से मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मैं पसंद करती हूँ तो आप लोग सोचोगे इसलिए मैं पॉजिटिव रिव्यू देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हमेशा ऐसे रिव्यू देती हूँ जो मुझे खुद को ठीक लगता है, मुझे जो लगता है सही है तो ठीक है, गलत है तो गलत है। जो चीज सही है मैं उसको सही बोलती हूँ, जो चीज गलत है मैं उसको गलत बोलती हूँ। अभी थैंक यू मूवी पे शहनाज़ कौर गिल का थोड़ा सा एक यू नो कैमियो था, थोड़ा सा रोल था। अब मैं नहीं बोलूंगी कि थैंक यू अच्छा था, इतना घटिया मूवी मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। लेकिन मैं अगर शहनाज़ कौर गिल का परफॉर्मेंस की बात करूं, शी इज डीवा, शी इज डूइंग रियली गुड। और इस गाने पे भी वो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा। आपको कैसा लग रहा है या लगा है शहनाज़ कौर गिल का इस गाने पे परफॉर्मेंस, जरूर कमेंट करके बताना। एंड यस यस यस, अगर अभी भी नहीं देखे हो, किस बात का वेट कर रहे हो, अभी जाओ यूट्यूब पे आ गया है तो जल्दी से देख लो, आज ही आया है। एंड यस, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल पे बहुत सारे न्यूज गॉसिप लेकर मैं सुपर्णा आ जाऊंगी आप लोगों के पास। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।